हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं यार आप सभी? होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो यार अपन भी ठीक है। तो आज मैं जा रहा हूँ, फील्ड वर्क है मेरा ऑफिस का। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा कि यार मेरी ड्यूटी क्या रहती है। तो 3-4 स्टेप्स हैं जो मुझे करने पड़ते हैं उसमें फॉलो। तो अभी मैं घर से निकल गया हूँ और यार आप देख सकते हो इस टाइम मौसम ना बहुत ख़राब होने वाला है। देखो ऊपर ऊपर को स्नोफॉल हो रही है, ऊपर ऊपर हाइट में फिर से एक बार मौसम ने करवट ले ली है। देख अगर आपको दिख रहा होगा ऊपर ऊपर, तो यार अभी मौसम भी ख़राब है बट मैंने तो जैकेट पहना है, छाता डाल रखा है अपने साथ, फुल पैक हूँ एकदम। अगर मौसम ख़राब होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कौन सा कहीं खोदने जाना है, फील्ड वर्क है, राउंड मारना है, बिलिंग काटनी है सबकी, और साथ में कुछ फॉल्ट होगा तो वो चेक करना होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, बने रहिए। और हाँ यार, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विज़िट कर रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं आगे। और हाँ यार, मैं आपको आप सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ। अब हम इतना अच्छा कंटेंट तो बनाते नहीं हैं और ना ही इतनी अच्छी एडिटिंग करते हैं, क्योंकि अभी हम छोटे ब्लॉगर हैं, अभी सीख ही रहे हैं हम बनाना भी, एडिटिंग करना भी। बट यार आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें और अपना प्यार बनाए रखें। यार आपके प्यार से ही तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो फाइनली यार अभी मैं एक घर में आ गया हूँ, तो यहाँ पे मैं छोटा मोटा एग्जांपल देता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो ये मैंने मशीन ऑन कर दी है, तो इसमें मैं पहले पासवर्ड डालूँगा अपना, और ये मशीन ऑन हो गई और ये जनरल बिल जो आपको दिख रहा होगा इसमें मैं ओके करूँगा, तो इसमें ओके आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या रहता है हमारा, जैसे ये है, ये बॉक्स है यहाँ पे, इसको खोलते एक बार। जैसे ये है तो ये इंस्टॉलेशन नंबर होता है इसका 673105। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें टाइप करना है यहाँ पे 6 पहले इसमें 0 5 1 2 3 000, क्योंकि 67 से डिजिट से स्टार्ट हो तो 000 लगेगा, 5 के बाद फिर 673105। तो ये आ गया, इसमें नाम अगर आपको दिख रहा होगा नंदलाल के नाम से मीटर है और इसकी ये ओल्ड रीडिंग ये है 11337। तो इसे रख देते हैं हम अभी साइड में, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर जो नई रीडिंग है वो यहाँ पे। अब मीटर इतना दूर है तो स्पेशली हमने डंडा रखा होता है इसीलिए, ताकि हम मीटर की रीडिंग चेक कर पाएँ। तो यहाँ से हम पहले मीटर रीडिंग चेक करें। तो जैसे कि हमने इसमें टाइप कर दिया है, हमने न्यू रीडिंग 11554 जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, और टोटल यूनिट इनकी अभी तक एक महीने में चली है 217। और फिर हम इसे एंटर करेंगे और बिल निकालेंगे, तो कुछ इस तरह से निकलेगा बिल। तो 217 यूनिट का इनका आया है ₹521। और इसकी डेट है 21 तारीख, तो जो इसमें एक्स्ट्रा डेट है वो हम इसे रिमूव करेंगे, जो 23 है ये रिमूव किया और 21 तारीख लास्ट डेट है। और साथ में देखना होता है हमें कि कहीं कोई लाइन तो छुट्टी नहीं है, या फिर कहीं डायरेक्ट किया है, या फिर कुछ अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी जानकारी हमें जेई सर को देनी पड़ती है, बस बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आगे देखिए और भी कुछ ज़्यादा है इसमें। तो यार मैंने जिस तरह से भी बताया, तो इस तरह से कुछ मीटर से हम बिजली बिल काटते हैं, और ऐसे ही बस दिन भर चला रहेगा जब तक एवरेज ना निकल जाए या फिर ख़त्म ना हो जाए एरिया। बट मैक्सिमम ऐसा करते हैं कि फटाफट अभी सुबह सुबह हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं बहुत सारा एरिया, ताकि दिन को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि दिन में थोड़ी धूप भी लग जाती है। अब फील्ड वर्क है तो यार धूप में तो जाना ही पड़ेगा हमें, तो थोड़ा धूप में गर्मी लगती है, बाकी तो कोई चक्कर नहीं है। और आपको दिखाता हूँ यार, देखो ऐसे ऐसे रास्तों से हमें जाना पड़ता है, ऐसे रास्ते देखो
फील्ड वर्क कितना टफ होता है। ये तो चलो अभी मौसम साफ है, बर्फ़ नहीं है, बट जब बर्फ़ होती है तो फुट फुट दो दो फुट में भी हमें चलना पड़ता है और बिल काट के आना पड़ता है, और फिर भी प्राइवेट सेक्टर वालों को मिलता ही क्या है, ना के बराबर। तो यार गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के बारे में, कि गवर्नमेंट वाले बैठे बैठे इतना लेते हैं और प्राइवेट सेक्टर को कुछ नहीं देते हैं, तो इनको प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। और एक ही नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको, ये गांव त्यावल है जो कि मैंने कर चुका हूँ यहाँ का कंप्लीट, ये सारा एरिया मेरे पास ही था, ये त्यावल, ये पार, यहाँ से पार 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 जितने भी आपको पार धार तक दिख रहा है, और धार के पल्ली साइड भी है काफ़ी, वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और आज मुझे कंप्लीट करना है ये वाला एरिया जितना भी दिख रहा है, ये ऊपर को आपको ऊपर ऊपर तक ये सारा एरिया एक बार ये करना है कंप्लीट। उसके बाद जो आपको डायरेक्ट ये चील के साथ जो नीचे को दिख रहा है ये एरिया, यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा, तो यहाँ से स्टार्ट करते 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 नीचे ऊपर फिर ये जो टावर के साथ है उसके साथ नीचे को भी है, फिर ये करते करते सारा ये कंप्लीट करते, जो जितने भी रोड के साथ लास्ट तक दिख रहा है नीचे गाँव तक, ये सारा कंप्लीट करना है। ये आज ही नहीं करना है, ये एक दो दिनों में मैं कंटिन्यू करूँगा, मैं धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आज मैं जितना होगा उतना करूँगा, फिर उसके बाद चलिए नेक्स्ट घर में मिलते हैं आपसे, बताता हूँ मैं और आपको क्या क्या देखना होता है। तो सॉरी यार दोस्तों, आज मैं ब्लॉगिंग करते करते जो मेरे GoPro की बैटरी वो डाउन हो गई थी, एक्चुअली मैं सुबह चार्जिंग करना भूल गया था, बट मैं नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे से बताऊंगा अगले ब्लॉग में कि मैं और क्या क्या करता हूँ। तो सॉरी यार, इस ब्लॉग में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।